माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे सामाजिक विषयों की उन्नति हेतु कई प्रयास किए गए। आइए एक नजर डालें उन प्रयासों पर। शिक्षा से बात शुरू करें तो कई सरकारी स्कूल ऐसे थे जहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। ऐसे स्कूलों को देहरादून स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित किया। इन स्मार्ट स्कूलों में जहां अटेंडेंस बायोमेट्रिक की गई तो इंटरैक्टिव बोर्ड्स भी बनाए गए। इन इंटरैक्टिव बोर्ड्स के सहारे किताबी शिक्षा से परे जाकर बच्चों को जीवन जीने का महत्वपूर्ण ज्ञान भी दिया गया। यह एक भावनात्मक कोशिश रही जो काफी सफल हुई क्योंकि बच्चों को उनके सवालों और दिक्कतों के जवाब तुरंत मिले। पुरानी हो चुकी बिल्डिंग को पुनर्निर्माण कर दोबारा सशक्त एवं सुंदर बनाया गया। कंप्यूटर लैब और वर्चुअल ई कंटेंट के सहारे बच्चों को नई तकनीकों का लाभ भी मिला। कंप्यूटर लैब के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाए गए जिनके सहारे बच्चे घर पर बैठे बैठे भी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस सब का नतीजा ये निकला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ। अब हम एक नई टेक्निक से स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकेंगे और बहुत ज्यादा उत्साह है सारी छात्राओं में, एनरोलमेंट बढ़ रहा है इससे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा अनेक कदम उठाए गए। देहरादून एवं आसपास के क्वारंटाइन सेंटर्स में कैमरे लगा वहाँ की हर पल निगरानी की गई। निगरानी का मकसद कोरोना के दौरान डॉक्टरों एवं कोरोना संक्रमित मरीजों को इस आपदा से लड़ने में हिम्मत एवं मदद प्रदान करना था। साथ ही पूरे उत्तराखंड के सारे क्वारंटाइन सेंटर्स के कोरोना डेटा को इकट्ठा कर एक जगह देखने के लिए भी देहरादून स्मार्ट सिटी ने प्रबंधन प्रणाली तैयार की। इसके साथ नई तकनीकों की बात करें तो एक उच्च स्तर का कैमरा शहर के कई अस्पतालों में लगाया गया है जो मरीजों के चेहरे को भांप लेता है एवं मदद प्रदान करता है कोरोना से जूझ रहे मरीजों को बाकी मरीजों से दूरी बनाए रखने में। इससे अस्पताल के साथ साथ आम जन को भी काफी आसानी होती है। शहर की सुरक्षा के मद्देनजर कोने कोने एवं चौक चौक पर उच्च क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के साथ स्पीडोमीटर भी होता है जिससे तेज चलते वाहनों को ट्रैक किया जा सके एवं आम जन को किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके। साथ साथ खम्भों पर रडार सिस्टम भी लगे हैं जो तेजी से चलते वाहनों एवं रैश ड्राइविंग करते वाहनों की सूचना सिग्नल पर तुरंत पहुंचा देते हैं ताकि ऐसे वाहनों को समय पर रोक सड़क पर चलते बाकी वाहन एवं नागरिकों को होने वाली दिक्कतों या सड़क हादसों से सुरक्षित रखा जाए। इन कैमरों की एक और खासियत ये है कि ये आसपास पड़ी किसी भी संदिग्ध वस्तु का तुरंत पता लगा लेते हैं जिससे किसी बड़े एवं जानलेवा हादसे को रोकने में सफलता मिले।